नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज हम जबलपुर में आए हुए हैं कलेक्ट्रेट चौराहे के पास। मध्य प्रदेश में अब हेलमेट को लेकर सख्ती शुरू हो गई है। MP हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय भोपाल ने पुलिस कमिश्नर भोपाल, पुलिस कमिश्नर इंदौर सहित प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी करते हुए इसके सख्ती से पालन के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में अब दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। बिना हेलमेट के वाहन चालकों को न पेट्रोल मिलेगा और न ही सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस में एंट्री और न स्कूल कॉलेज में एंट्री। हेलमेट नहीं लगाने वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 128 और 129 के तहत कार्रवाई होगी। हाई कोर्ट के निर्देश पर हेलमेट को लेकर कार्रवाई शुरू हो गई है, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस के सहयोग के लिए आबकारी विभाग भी आगे आ गया है। हाई कोर्ट के निर्देश पर हेलमेट को लेकर जबलपुर के लोगों पे काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जबलपुर में रोड के किनारे लगी हेलमेटों की दुकान पर बहुत ही ज्यादा भीड़ लग रही है। आइए देखते हैं कि लोगों की क्या राय है। जहाँ पर हेलमेट की दुकानें हैं तो भीड़ तो यहाँ बहुत लगी है और लगभग दुकानदार के सारे हेलमेट भी खत्म हो चुके हैं। आइए बात करते हैं। जी सर, आप बताएंगे कि यहाँ पे आप इतनी ज़्यादा भीड़ देख रहे हैं तो किस वजह से है भीड़? आज इधर भीड़ इसलिए है कि हमारे शहरवासी बहुत अच्छी तरीके से और इखलास मोहब्बत से हेलमेट लगा रहे हैं। शासन का हम शुक्र अदा करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से हमारे शहरवासी बड़े मोहब्बत के साथ हेलमेट लगा रहे हैं। हमारी सरकार ने जो लागू किया हेलमेट, उसके जरिए हम लोगों को भी कुछ रोज़गार मिला है और मैं बहुत अच्छा समझता हूँ इस बारे में कि लोग जो हेलमेट लगा रहे हैं अपने सुरक्षा के हिसाब से लगा रहे हैं और अच्छा हेलमेट लगा रहे हैं। प्राइस क्या होती है सर हेलमेट की? इस हेलमेट की प्राइस है 800 रुपये। 800 रुपये प्राइस कितनी है? अगर अपन इसको मार्केट में लेते हैं, शोरूम में लेते हैं, तो ये अपन को पड़ेगा 1300 रुपये का। 1300। हम लोगों को इसलिए कंपनी की तरफ से है कि आप लोग सस्ता बेचो, ज़्यादा इसको ग्राहकों से ज़्यादा पैसा नहीं लो। जैसे ये कंपनी 800 रुपये का हमको दे रही है तो हम इसको 850 का बेचते हैं, 50 रुपये में भी हमको मिलता है। कभी अगर मैं लगा के चल रहा हूँ तो मेरी सुरक्षा भी है, मेरा परिवार भी सुरक्षित है, क्योंकि मैं अकेली कमाने वाला खाने वाला, इसलिए मैं हेलमेट लगा के चलना बहुत पसंद करता हूँ। और कोई पुलिस की ओर से आप लोगों की प्रति कोई प्रतिक्रिया आई है? जी नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं आई है। बड़ा सहयोग है उन लोगों को का भी कि जो हम लोग इधर हेलमेट बेच रहे हैं तो वो हम लोगों की व्यवस्था अच्छी करके रखे। हम सरकार का इस विषय में बहुत अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं हम अपनी तरफ से और अपने शहर की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं शासन का और कलेक्टर साहब का बहुत बहुत बड़ी बधाई देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि लोगों को रोज़गार भी मिला है। हमारे शहर में जो बेचारे बेरोज़गार लोग थे, इस समय लोगों को रोज़गार मिल गया है और शासन इसी तरह लोगों को लगाने दे, लोग हेलमेट बेचें और अपना पालन पोषण भी करें। हम ये हेलमेट लगा के जो चल रहे हैं, हम बड़े खुश हैं सरकार से कि हमारी सुरक्षा है। इसमें हेलमेट खरीद रहे हैं सर, बताइए आपका हेलमेट खरीदने का कैसे मन बना है आज? अच्छा, मन सेफ्टी पर्पस भी है इसमें। देखो, मन वाली बात नहीं, सरकार का कोई गलत इंटेंशन नहीं इसमें, सबकी सुरक्षा के लिए काम हो रहा और होना चाहिए और चलना ऐसा नहीं है कि उनके दबाव में आऊंगा तभी काम होगा। अच्छा, और अच्छा, अच्छा नहीं है, अच्छा है, जरूरी है, होने चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे ठीक है, सरकार तो हेलमेट के लिए आप लोगों को बोल रहे हैं हेलमेट खरीदिए, बट कहीं कहीं पे रोड की भी तो हालात अच्छे नहीं, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? रोड के हालात तो गवर्नमेंट को भी मालूम है और रोड के हालात के साथ साथ रोड के किनारे बने अतिक्रमण भी हट जाने चाहिए ताकि आने जाने में सुविधा हो, आसानी हो। चौराहों के स्ट्रीट लाइट भी ठीक ठाक से मेंटेन होनी चाहिए और उससे ज़्यादा जरूरी हम भी तो सुधर जाएं। जी, आपने नियम मानेंगे दिक्कतें नहीं कहीं पर होगी। जी सही बात है, नियम मानेंगे तो आदेश तो ठीक है, कानून के हिसाब से तो लगाना जरूरी है, लेकिन लोग अपनी मर्जी से चल रहे थे। अब ऐसी महोदय जी, उनका निर्देश है, उनका अनुपालन तो करना पड़ेगा ना, और जरूरी है, सेफ्टी है इंसान की, सेफ्टी के लिए। जी, उसमें कानून का कोई नहीं है, ये हेलमेट का आपकी सेफ्टी के लिए। और प्रशासन भी ये चाहता है कि हमारे जबलपुर की जितनी भी आवाम है, जितने नागरिक हैं, सब लोग सुरक्षित रहें। तो पुलिस वाले कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं? नहीं नहीं, परेशान नहीं कर रहे हैं, वो तो जो SP महोदय हैं उनका जो है निर्देश, उसका अनुपालन कर रहे हैं। उन लोग तो ऊपर से प्रेशर है।
तो हेलमेट आपको अच्छे प्राइस में और अच्छी क्वालिटी के ही मिल रहे हैं? अब क्वालिटी का तो पता नहीं है, बच्चे है ये 500-600 का मिल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हेलमेट के लिए काफ़ी भीड़ लगी हुई है और यहाँ पे लोग बहुत ही हेलमेट खरीदने के लिए जागरूक भी हो चुके हैं और लगा के भी जा रहे हैं। बने रहें द खबरदार न्यूज़ के साथ, कैमरामैन धीरू के साथ, धन्यवाद।